बात करने के लिए पूनम पंडित, खुश तो बहुत हो गया आज आप। कैसे? ट्रैक्टर रेल नहीं निकल रही। अरे मैं ही नहीं, पूरा देश खुश है। माहौल अलग है, समा अलग है, नज़ारा देख के इतनी खुशी मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। मेरे घर वालों को भी ना हुई जब मैं पैदा हुई, ठीक है? समझते हैं आप उस टाइम पे जब पैदा। दिल्ली वाले डरे हुए हैं। कितना डरा दिए? डराए किसने? आप ही बता रहे हैं लाखों ट्रैक्टर आएंगे, ये कर देंगे, दिल्ली हिला देंगे, दिल्ली हिला देंगे। भैया ये बात कहिए, ये बात मत कहो, दिल्ली हिलाएंगे नहीं, परेड में शामिल होंगे, गद्दी छोड़ देंगे, वो खोज देंगे, पता नहीं किसने कह दी। पूनम पंडित के आपने वीडियो देखे? मैंने नहीं कहा, मैंने बस ये कहा कि परेड में शामिल होवेंगे, इतिहास रचेंगे, माहौल अलग होगा देश का, इतिहास बदल जाएगा, इतिहास रचा जाएगा। अरे भैया हर बार नेता करा, ये नेता तो अब तो आपके मन की ओर ही घर जा रहे हैं ना। कौन जा रहा है घर? कौन जा रहा है? अब परेड निकल गई। परेड से क्या मतलब है? परेड से मतलब नहीं है, मतलब तो उन काले कानूनों से है, जिस दिन वो रद्द हो जाएंगे उस दिन घर चले जाएंगे। भैया वो जो वार्ता है वो 5,000 पेज की है या 10,000 पेज की है, जो 12 बैठकों में नहीं हुई, तो 1.5 साल में क्या होगी? कोई बात ना, अगर ये टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं 1.5 साल का, हमने ले लिया, कहता दी ठीक है, कोई बात ना, हम बने हैं इनके साथ में, जितने सांसद हैं, जितने मंत्री संतरी हैं सरकार में, सभी की तनख्वाह भी होल्ड करवा दीजा, अनुरोध है माननीय मोदी जी से। अच्छा सरकार हाँ बहुत परेशान है। कैसे? आपके पास फोन आया? हाँ, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि कुछ अदृश्य ताकत है किसानों के पीछे जो भटका रही है उनको और समझौता नहीं होने दे रही है। कृषि मंत्री जी से अनुरोध है तोमर साहब जी से कि 2-4 अपने स्पेशल प्रवक्ता भेजे, सरकार के नुमाइंदे जो सांसद है और प्रवक्ता है वीवीआईपी। सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दूंगी। वो ताकत कौन सी है? अरे आप, मैं जवाब दे दूं ना? दे दूं बड़े भाई। बुला रही है? अरे बुला रहे हैं ना। देखिए जो भटकने वाला व्यक्ति होता है तो वो तो कभी भी भटक जाता है, भटकने वाला व्यक्ति तो भटकता है। 2-4 ने भेजा यहाँ से, एक आधा लेके तो जा मैं, और इनको ताकत वे अपनी दिखावे। अगर कोई सा मेरा बाबा चला जाए, कोई सा मेरा ताऊ चला जाए, मेरी देखी गुड़िया बेटा, अगर कोई जो इन बिलों के पक्ष में बैठे हुए आपको बुलाएंगे, आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, सवाल का जवाब ये है पूनम जी, उनके विरोध के लिए कहेंगे कि आप उनके खिलाफ हो जाओ। हाँ, हमें किसानों के खिलाफ करेंगे ना, इसलिए नहीं, गुड़िया को ले जाके दिखा जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, ले जाने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे किसानों के पीछे कोई अदृश्य कौन सी है। वो अदृश्यता तो सुन लो, अदृश्यता कौन सी है? टीम क्या कर रही है? यही तो सवाल, टीम क्या कर रही है? टीम क्या कर रही बड़े भाई? ये है कि वो ताकत कौन सी है, ये उनसे पूछो, वो उनसे पूछो जो सरकारी टीम है, आईबी टीम है, उनका काम है। ये मेरा नहीं है, मैं तनख्वाह नहीं लेती। देखिए मैं तनख्वाह नहीं लेती। ताकत तो कोई ना कोई है, ये बात उन्हें पता होगी। मेरे पीछे तो कोई ताकत नहीं, मेरे तो फादर साहब भी ना, ये देश का किसान है बस। मेरे इनकी समझ में सिर्फ एक बात आनी चाहिए, वो जो ताकत है ना, ये जो किसान एक होगा, एकजुट जो होगा, ये सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को वो भूल गए थे। पर एक बात बताऊं, धन्यवाद आपका, आप ये बिल ना लेके आते ना, सारा किसान एक नहीं होता। कम से कम आपको पता तो चलेगी कि किसान एकता कैसी होती है। कितना लंबा चलेगा? बहुत लंबा हो गया है। कहा होगा फिर भैया, लंबे तो खूब चले। सारी पिछड़ रही है, अभी पिछड़ जान तक आप बता रही है। 40 साल की अभिनेत्री ब्याह कर रही है, पूनम पंडित कर ले 30 साल की, बेहद इसकी कले ना करे, कहा आप बता रही है? कुछ देश का नुकसान थोड़ी होगा ना करने के। ऐसा है, सारे किसान कन्यादान करेंगे बहन का, दिक्कत मत मानना। शादी पिछड़ रही है, पिछड़ है यू देश, पिछड़ रहा है। यासु बुरी चीज क्या है? मेरा ब्याह पिछड़ा, पिछड़न दो, मेरे को कोई गम नहीं। यू देश भी तो पिछड़ रहा, मुझे तो सबसे ज्यादा गम यार देश पिछड़ने को, ब्याह पिछड़ने को नहीं है। और आप जितनी चर्चा हो रही है वो ना हो, नहीं ऐसे में शादी कौन करेगा? इतना कैसे कैसे कौन युवक आएगा सामने जो शादी? इनके साथ में बने रहना और कमेंट में बताना कि पूनम पंडित से शादी कौन करना चाह रहा है, बताना इनके साथ में। अरे बड़े भाई मैं बताता दी, सारे के सारे कमेंट में बताइए, पूनम पंडित से शादी कौन करेगा इनको? कैसे पता चाहिए? जो मतलब इतना धमकाएगी तो कौन टिकेगा, ये बताओ। इस बात को ध्यान में वो रखेंगे कि इसने सच बोला, युवाओं की महिलाओं की आवाज बनी, व्यवस्था में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए भैया। गाड़ी वाड़ी जाने के लिए थोड़ा रास्ता बना। सवाल ये है कि कैसा पति, अगर आप इतना धमकाएगी तो बेचारा कैसे झेलेगा इतना? देखिए जो व्यक्ति यहाँ से ठीक होवेगा तो वो समझ जाएगा कि ये किसानों की आवाज बन रही है, युवाओं की आवाज बन रही है, महिलाओं की आवाज बन रही है, इन्हें इसकी जरूरत है और इसको इनकी जरूरत है। जिसके समझ में आ गई वो करे, दबके रह जो। ये दबके है, यू दबके है, समझे अपना चुप रहे। नहीं ये बताइए, ये दबके है, ये खुली आजादी चाहिए, जो भी मेरे से शादी करे खुली चाहिए। जब मैं ऐसी ऐसी, अरे मेरी बहनों के लिए मुझे बोलना पड़ा, ऐसे युवाओं के लिए बोलना पड़ा, कल को मुझे रोक टोक ना करे। कैसे पति चाहिए? जैसे प्रधानमंत्री जैसा जो, अरे बाबा देखिए प्रधानमंत्री जैसा तो मेरे को क्या किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी
अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते, तो कौन लड़की चाहेगी कि मेरा पति मुझे छोड़ कर चला जाए? राहुल गांधी जैसे? राहुल गांधी का तो है ही ना, तब वो पति थोड़ी है। नहीं, क्या मतलब है एज ए हस्बैंड मांग रहे, एज ए वो नहीं मांग रहे हम अनमेरिड पर्सन, एज ए हस्बैंड पूछ रहे हो आप मेरे से सवाल। कैसा सोर मतलब कैसी नेचर, पीएम जैसी, राहुल गांधी सोच ऐसी हो, सोच ऐसी हो कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा, आवाज उठाने वाला हो, सबको सहयोग करने वाला हो, सबकी पीड़ा को समझने वाला हो, ऐसी सोच वाला चाहिए, चाहे वो ट्रैक्टर वाला हो, चाहे वो साइकिल वाला हो। प्रधानमंत्री की, अरे प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है। हाँ हाँ बताते हैं, उनकी सोच 10 लाख का सूट पहनने की, मेरे को नहीं चाहिए 10 लाख का सूट वाला व्यक्ति। सबका साथ कुछ लोगों का विकास, कुर्ते वाला चाहिए मेरे को, तो वो चाहिए 200 रुपया कुर्ता पहने ला के पैठ में सो, और उसकी सोच बढ़िया हो, बहुत अच्छी सोच, ऑन द सोच, जो सबके देखे कि हाँ भाई यहाँ गलत हो गया, यहाँ बुरा हो गया, सहयोग में खड़ा हो रहे। फिलहाल 2021 में तो शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहा मेरे ख्याल से, ना लिख रहा मत लिख रहा, आप बता रही कोई आप बता रही, अरे ब्याह बिगड़ेगा बिगड़ेगा, आगे सुधर जाएगा। शादी की उम्र में अगर उम्र में 40 साल की जो हमारी अभिनेत्री हैं वे शादी नहीं करती हैं, और भी बड़ी लोग हैं, बड़ी बहनें मेरी शादी नहीं करती, कुछ जब तक समझौता नहीं होगा, अभी कोई कानून बनाया जब तक 25 साल तक ब्याह हो जा, जब तक समझौता नहीं होगा शादी नहीं करेंगे। अरे जिस दिन ये देश का किसान यहाँ से खुश होकर चला जाएगा, उसके 2-4 महीने बाद देखने ढूंढने टटोलने में लगे, अरे इस भाई को बताइए पूनम पंडित से शादी कौन करना चाहे, फिर कर लेंगे। अभी टटोला नहीं, कोई लड़का भी सेट नहीं हुआ। अरे ब्याह बिगड़ेगा क्या बार बताने, हुआ तक नहीं हुआ तय होगा, जब तो बिगड़ा या बिगड़ वैसी जाता भी नहीं, ढूंढ रखा है ना, काहे को ढूंढ रखा, जिन्हें स्कोर पे अच्छी है वेना चाहिए मुझे, जिन्हें स्कोर पे अच्छी है मुझे वेना चाहिए। तो ये थी पूनम पंडित, जो लगातार कह रही थी कि मेरी प्राथमिकता है किसानों के लेकर, जिस तरह का प्रोटेस्ट चला उनका समाधान जब तक नहीं हो। हां कुछ कहना चाहते हैं बताइए भैया। एक बात नाम है आपका, कहाँ से आया? गौरव प्रधान है, जमालपुर मेरठ से। ठीक है, आप ये बताओ मोदी जी को इतनी दिक्कत हो रही है कृषि कानून वापस लेने में, 1.5 साल का बहकावा और भ्रम लोगों में फैला रहे हैं, दिक्कत क्या है इन्हें वापस लेने में, जब किसान नाराज है पूरे देश, आप कहीं चले जाओ पहले ये बात होगी। हाँ, ये सारी चीजें आप और क्या बात करनी है कि बैठ के बात कीजिए, 1.5 साल का समय, बैठ के कितनी बार बात करें, 12 बैठकों की बात ही नहीं मिट रही, कितने पन्ने की बात है, अब क्या दिक्कत चल रही है, अब दिक्कत ही दिक्कत हो रही देश में। सुबह का भूला शाम तक आ जाए तो भूला नहीं भूला, हां मैं तो सही, वापस कानून ने रद्द तो करें। सवाल ये है कि कृषि मंत्री ये कह रहा कि कोई अदृश्य ताकत है, देखो वो कोई कृषि मंत्री जी को पता होगा, इतना बड़ा अप्रोच सरकार की तरफ से है, कृषि मंत्री का जो है दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, चक्कर में ना पड़ो आप, उन्हें बताइए क्या करेंगे। देखिए कृषि मंत्री जी जो कहते हैं अदृश्य ताकत, मेरी तो नजर ही ऐसी ना जो मैं अदृश्य को देख सकूं, अदृश्य तो परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, पीछे कौन है, मेरी बहन है, नहीं 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 ये आप देखिए, मतलब मूवमेंट के पीछे किसान है, इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश की लगातार जो की जा रही है ना, उन पर उनको बेचारे को दुख है। अच्छा सरकार को बदनाम कर दिया, अब उससे पहले इतने बिल पास हुए, अरे इतने बिल पास हुए, इतने बिल पास हुए, हमने विरोध करा नहीं करो, इतनी GST आई, यूआ है, फलाना ढिकाना, इतना बिल रात भर दिन में पास करे, हमने विरोध नहीं करा, अब करो। सरकार रात दिन काम करती है, अरे हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि माननीय मोदी जी रात दिन काम करते हैं, सलाम करते हैं उनके कामों को, कि वो कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी टैगोर साहब बनते हैं, इतना काम उसका उनका, इतना जो टाइम स्पेंड वो करते हैं ना, अजीब लोग हैं, क्योंकि देखिए एक एक व्यक्ति को कई सारे किरदारों में आने के लिए बहुत टाइम चाहिए, वही वो करते हैं, लेकिन हमें व्यक्ति तो वो चाहिए जो इनकी सुने, अनेकता में एकता रखते हैं, सब जोड़ कर रखते हैं, सब तो यहाँ जुड़े हुए हैं, इन्हें भी तो जोड़ो अपनी गैल, ये काले कानून 26 तारीख पर रद्द करके माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं। आपकी बात पूरी होगी, ट्रैक्टर रैली हो रही, सब कुछ हो रही, तो कहा दिक्कत है, मैं कुछ आप बता रही है, ट्रैक्टर है, टायर इसके रबड़ के ही है, सड़क का प्रोग्राम 26 तारीख का प्रोग्राम, तो आप हमारे साथ बने रहे, सारी बात पहले ही बता दे, मैं बता देंगे एक आध घंटा पहले रैली वाले दिन, बड़ा प्रोग्राम है, अरे बता देंगे एक आध घंटा बाद, और मोदी बताओगा, अब मोदी बताओगा क्या हुआ 26 में, पता लग जाएगा, बहुत लोग आ रहे हैं। ये तो तमाम किसान नेता और पूनम पंडित जिनका साफ कहना था कि हमारी कोशिश है कि जब तक ये कृषि कानून वापस ना हो जाए ये यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हालांकि इस बात से काफी उत्साही है कि जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है उसको लेकर प्रोग्राम काफी बड़ा होने वाला है। दिल्ली से मनोज शर्मा।